पिछले दिनों पुलिस वालों हिरासत च ले गए 22 साल के नौजवान जसपाल सिंह की पुलिस हिरासत च मौत की पुष्टि पुलिस अधिकारियों के करन तो बाद उन्होंने परिवार के नाल कई जथेबंदियों वालों अज SSP दफ्तर फरीदकोट के अगे धरना लगा के इंसाफ की मांग की है। नाल ही आरोपी पुलिस मुलाजमान के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने वालों लड़के की लाश को लभ के उन्होंने हवाले करन की मांग की है। इस धरने आम आदमी पार्टी के कुलतार संधवा बीबी परमजीत कौर खालड़ा लखा सिधाणा समेत समाजिक जथेबंदियों के आगू शामिल होए। नाल ही अकाली दल अमृतसर वालों जसकरण सिंह कान सिंह वाला इसके अलावा किसान स्टूडेंट जथेबंदियां भी शामिल हुई हैं। जिक्र योग है कि CIA के इंचार्ज इंस्पैक्टर नरेंद्र सिंह वालों की गई आत्महत्या तो बाद यह सारा मामला सामने आया है। पुलिस मुताबिक नौजवान ने हिरासत दौरान खुदकुशी कर ली और पुलिस ने उसकी लाश को खुरदबोड़ कर दिता। हुण पीड़ित परिवार अपने पुत्र की लाश देखने की गुहार लगा रहे हैं। CIA के इंस्पैक्टर नरेंद्र सिंह पिछले 6 महीने तो CIA के इंचार्ज सन। इस मौके लखा सिधाणा बीबी खालड़ा और जसकरण कान सिंह वाला वालों इस गल की निंदा करद पुलिस की धक्केशाही के इल्जाम लगाए और बिना किसी वजह किसी भी आरोपी उसके मन मर्जी खिलाफ कार्रवाई करने की निंदा की। उधर इस मौके पुजे SP भुपिंदर सिंह और DSP जसतेंद्र सिंह ने दसिया कि 2 पुलिस मुलाजमान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उन्होंने हिरासत भी लै लिया गया है, जिन्हों की निशानदेही से नहर में लाश की तलाश की 4 टीमां भेजी गई ने जो सर्च कर रही हैं। जेकर इस मामले च कोई होर पहलू सामने आएगा तो उस हिसाब नाल अगे दी कार्रवाई की जाएगी। असल तो यही है कि नरेंद्र सिंह लिया चुक के उन्हें मारिया, डेड बॉडी तो दिती नहीं, दे फिर तो रौला ही अद्धा मुक जाता। हुण अज इन्होंने कहा है कि असी जिहड़ा भी 2 जिहड़े पुलिस वाले उहदे नाल सी बॉडीगार्ड SHO दे कि उन्होंने परचा करता है तो तुहाडी डेड बॉडी जी नहरां चों लभ के दिंदे आ, नहरां ही सुट्टी है, कोई नहीं पता लगा अजे तक सानूं। साडी यही मंग आ कि एक तां जिहड़ी लाश आ उह सानूं मिलनी चाहीदी है और जिहड़े दोषी आ पुलिस कर्मचारी उन्हां दे परचा हो के उहदी नकल सानूं मिले, फिर सानूं तसल्ली होगी कि हाँ भी इन्हां दे परचा हो गया। जिन्ना चिर जबानी कई वजन भी असीं परचा देता, की पता पुलिस वालिआं ने पुलिस वालिआं दी करनी है की होना है। बहुत बड़ा यह एक मनुखता का घाण है, कतलेआम है कि किस तरह एक 22-23 साल के नौजवान नूं पुलिस जिहड़ी चक के वह रत्ती रोड़ी पिंड दे नानकियां तों लिआउंदी है, रात नूं उहदी कुटमार करदी है, कुटमार नाल मर जांदा, उस तों बाद लाश खुरदबुरद कर दित्ती जांदी है। जे हाले तक जिहड़ी पुलिस कहानियां ही घड़ी जांदी है, एक कहानी यह दर्शा रही है कि उहदी जिहड़ी उहने खुदकुशी की है। मैनूं पता, मैं CIA दीआं हवालातां 'च रहिंदा रिहा कि किस तरीके CIA दी जिहड़ी हवाला जां थाणे दी हवालात हुंदी है उह 'च कोई पक्खा नहीं हुंदा, विच कोई कुंडी नहीं हुंदी, कोई किसी प्रकार की सोच नहीं लगी हुंदी, अंदर कोई प्लग नहीं हुंदा भी लाइट ना थला के मरजू जां पा लै के मरजू। हर हवाला दे विच इक कैमरा हुंदा, कैमरे की जिहड़ी निगरानी 24 घंटे जिहड़ा अंदर बंदी हुंदा उहदे रखी जांदी है। 2 मुलाजम जिहड़े स्पैशल 24 घंटे हवालात दे मूहरे कुर्सी डा के बैठे रहिंदे आ, बंदा कोई अंदर बंदे नूं पजामा भी नहीं अंदर लंघाउण दिंदे, पजामा भी ला के अंदर भेजदे आ, दुपट्टा परना पग कुछ इह तां लंघणी नहीं दिंदे, पाहा बंदा लै कदे ना सकदा। सो इह दूजी कहानी दे विच इहनां दा SP इह कह रहा है कि वह जिहड़ा नरेंद्र सिंह सीगा जिहड़ा CI इंचार्ज जिहड़ा गोली मार के मर गया कि उहने उस मुंडे नूं मारिया ते लाश खुरदबुरद की है। हुण जे उहदी गल नूं मन्नगे उहने मारन कल्ले ने तां मारिया नहीं, नाल होर जिहड़ी पुलिस है जिहड़े नूं नाल 4-5 मुलाजम होर फड़ के लिया, कल्ले ने कुट्टिया भी नहीं होना, कुट्टिया भी दूजा नालदिआं ने होना ते कल्ले ने लाश नूं भी कदे नहर दे विच जां आपां सोच लईए कदे किसे उहने मतलब के दबती जां नहर 'च रोड़ती, इह भी नहीं हो सकदा। सो इह सारीआं गल्लां बातां जिहड़ीआं हैगीआं ने इत्थों सारी जिहड़ी तारां इक दूजे नाल जुड़ रहीआं। SSP कह रहा कि 2 दिन मेरी नरेंद्र सिंह नाल CI इंचार्ज नाल गल ही नहीं हुई, जदों के दो ये नहीं हो सकता कदे भी आप जे मनीए कि CI इंचार्ज की गल ना हो। वोटां दा टाइम है, घंटे घंटे बाद सारी रिपोर्ट लैंदा जिहड़े अफसर हुंदे आ CI इंचार्ज तो भी की होया कित्थे की वापर रहा है ना। सो अड्डो अड्ड कहानियां घड़ियां जा रही, 2 मुंडे फड़ ले, 2 पुलिस वाले जिहड़े गनमैन वह फड़ ले, 306 का मुकदमा दर्ज कर दिता कि इन्हां ने मजबूर करता मरन दे लई, जाने हुण इह इहनूं लगदा कि जे इहदियां परतां खुलणगियां ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪੁਲਿਸ ਐਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆਪਦੀ ਉਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਤਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਰਮਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।